स्नैपचैट पर न्यूड वीडियो पोस्ट करने का बनाया दबाव। बॉम्बे हाईकोर्ट ने युवक पर लगाया 50,000 का जुर्माना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को स्नैपचैट पर न्यूड वीडियो अपलोड करने के लिए मजबूर करने वाले युवक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी युवक ने कक्षा 12वीं में पढ़ रही लड़की को पहले इंस्टाग्राम पर पॉर्न क्लिप भेजी थी। इस क्लिप में नजर आने वाली लड़की का चेहरा मॉर्फ कर नाबालिग जैसा कर दिया गया था। इंस्टाग्राम में ये क्लिप भेजने वाले युवक ने नाबालिग को कहा कि वो स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोले और किसी अन्य व्यक्ति के स्नैपचैट अकाउंट पर अपना न्यूड वीडियो भेजे। यदि नाबालिग ऐसा नहीं करेगी तो वो पॉर्न क्लिप को वायरल कर देगा। डर के मारे नाबालिग ने 5 से 10 सेकंड का वीडियो बनाया और उसे स्नैपचैट अकाउंट में अपलोड कर दिया। नाबालिग लड़की ने आगे जब युवक से संपर्क तोड़ दिया तो वो उसे परेशान करने लगा। युवक से तंग आकर नाबालिग ने पहले अपनी बहन को खुद की परेशानी बताई। जब नाबालिग के पिता को ये बात पता चली तो एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में अक्टूबर 2019 को एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के बाद युवक के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया। इस बीच दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझाने की शुरुआत की। जब दोनों पक्षों में रजामंदी बन गई तो आरोपी ने कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग की। मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट में नाबालिग ने हलफनामा दायर कर कहा कि यदि युवक के खिलाफ एफआईआर को रद्द किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, दोनों को नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का मौका मिले। न्यायमूर्ति एसबी शुक्रे व न्यायमूर्ति एसएस साठे की खंडपीठ ने याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मामले से जुड़े दोनों पक्ष युवा हैं, नाबालिग लड़की अब वयस्क हो चुकी है और वो इस मामले से बाहर निकलकर आगे की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है।